सबसे पहले मैं एक बहुत मजे की बात बोलने वाला हूँ। आप लोगों ने शादियां तो बहुत सारी अटेंड करी होगी, यस या नो? लेकिन सेल्फ शो पे कैसा प्लेटफॉर्म है कि हर जगह इतिहास बनाता है। ये एक पहली ऐसी शादी है जहाँ शादी के साथ बच्चे एडवांस में गिफ्ट में मिलते हैं। थैंक यू। मैं इनके बच्चे से जानना चाहूंगा कि आज मम्मी पापा की शादी देख के कैसी लग रही है और इनका सम्मान देख के क्या आज दिल में इनकी खुशी है, जान लिया जाए? बताइए। मेरी मम्मी और पापा का सम्मान देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी पापा की शादी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। पहले वाली अच्छी थी, ये ज्यादा अच्छी? दोनों अच्छी थी। अच्छा, दोनों अच्छी थी। जो इनके एक और छोटे प्यारे से बेटे हैं और हमारे भारत के न्यू युवा पीढ़ी हैं, आज के सितारे, इन सभी जान लिया जाए। क्यों भैया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मजा आया? मजा आया। पहले आया था, अभी आया? बहुत बहुत मजा आया, पहले भी आया, अभी भी आया। कि आज ये सम्मान देख के मैं कैसा लगा, और कमिटमेंट की बात हम जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई भी बात करो तो मजबूती के साथ और दमदारी के साथ अपनी बात रखो, क्योंकि वही आदमी दमदारी से बात करेगा जो ईमानदारी से फील्ड में काम कर रहा होगा, वो सच्चा होगा और उसका मकसद नेक होगा, वही दमदारी से बात करेगा। यश या नो? तो मैडम से जानेंगे कि आज कैसा लग रहा है और आगे अपने हस्बैंड को इसमें और प्रोग्रेस ले उसके लिए क्या सपोर्ट करेंगे, इनका क्या कमिटमेंट रहेगा। मैडम, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेम देवी है और मैं हाउसवाइफ हूँ, और हम सभी जानते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत दिन से इंतजार था कि कब सिल्वर बनूं, कब सिल्वर बनूं। फाइनली आज को दिन आ गया कि मैं सिल्वर बनूं। लेकिन मैडम को बहुत बहुत बधाई हो, और मैं माइक सबको हैंड ओवर करना चाहूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र साहू है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, और बहुत जल्द हम गोल्ड का सम्मान लेके बताएंगे। आज हमारे बीच में लोकेश जी के फादर आए हुए हैं और हमारे अतिथि भी हैं, हमारे से सीनियर भी हैं, तो इनके सम्मान में मैं माइक इनको हैंड ओवर करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आज अपने बेटे का ये सम्मान देख के कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मन में तो बहुत सारी बातें हैं, दिल में भी समझ में आ रहा है कि क्या नहीं बोलूं, क्या बोलूं। खुशी इतनी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलूं क्या, बहुत ज्यादा खुशी है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि अपने भाई का सम्मान देते इन्हें कैसा लग रहा है और इनको आगे बढ़ाने में ये अपना क्या रोल अदा करेंगे, इनसे भी जानना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा भाई का वेलकम जो हुआ वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एंड मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने मेरे भाई को स्टेज पे देखा एंड फर्स्ट टाइम वो बहुत खुश था, एंड आई एम
प्रॉमिस कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। आइए अब बारी है लोकेश जी के विचारों को जानने की। तैयार है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, थोड़ा जोर से दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश माल्या, 5 इंदौर कविता से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर राजमन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। उदयपुर में तकरीबन 3 से 4 साल से उदयपुर में रह रहे हैं। इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए कभी फुल टाइम हुआ कुछ पता ही नहीं चला। और दोस्तों, इस बिजनेस की जो आगे का जो फंक्शन होने वाला है उसमें गोल्ड का जरूर सामान लेंगे, और आगे का जो फंक्शन होगा उसमें हमारे तरफ से 2 सिल्वर का सामान हम जरूर दिलवाएंगे। ये कोशिश करते हैं।